प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गजरौला में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमरोहा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रही इस सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में एक बार फिर दो राजकुमारों वाले फिल्म की शूटिंग चल रही है जो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। हर बार ये लोग यूपी के जनता से वोट मांगने निकलते हैं। ये लोग अपने प्रचार में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी लेकर हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या?